मथुरा में बिजली संकट को लेकर मथुरा वृंदावन विधानसभा के विधायक श्रीकांत शर्मा ने विद्युत अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। विधायक श्रीकांत शर्मा ने मथुरा के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए एक बैठक रखी, जिसमें संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को बुलाया गया और निर्देशित करते हुए कहा गया कि सभी विभाग 15 दिन के अंदर अपना अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें। अगर मथुरा में बिजली गुल हुई तो वो तबादले के लिए तैयार हो जाएं। समीक्षा के दौरान उन्होंने बिजली विभाग की शिकायतों को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। मिली शिकायतों को लेकर उन्होंने विद्युत अधिकारियों से बात की तो कोई भी संबंधित अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इस पर उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने 15 दिन के अंदर सभी शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए और रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को लेकर 15 दिन बाद से दोबारा समीक्षा करेंगे। दिव्य मथुरा और भव्य मथुरा का एक फाउंडेशन हम लोगों ने तैयार किया था और इस पंचवर्षीय योजना में उस पर दिव्य और एक भव्य इमारत बने, उसके लिए जो हमारे विकास के कार्य चल रहे हैं, सड़कों का निर्माण है, पार्कों का निर्माण है, तो यहाँ बड़ी संख्या में हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो जो मुख्य मार्ग हैं, जो भगवान बांके बिहारी जी के मंदिर तक जाने वाले मार्ग हैं, द्वारकाधीश जी के मंदिर तक जाने वाले मार्ग हैं, जन्मभूमि तक जाने वाले मार्ग हैं, अपने गिरिराज जी गोवर्धन तक जाने वाले जो मार्ग हैं, बलदेव दाऊ जी जो जाने वाले मार्ग हैं, बरसाना नंदगांव तक जो मुख्य मार्ग जाने वाले हैं, उन सब मार्गों पर तेज गति से काम चले। और बहुत सारी दिक्कतें हैं, एनजीटी की कुछ आपत्तियां हैं, उसके कारण वन विभाग की कुछ आपत्तियां हैं, तो उसमें सभी विभाग कहीं बिजली के पोल शिफ्ट होने हैं, बहुत सारे आपस में समन्वय की थोड़ी कमी है, तो सभी अधिकारी आपस में समन्वय के साथ में उन कामों को समय के अंदर पूरा करें, जिससे कि आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आएँ और उनको कोई असुविधा ना हो।